छोटे छोटे प्रोग्राम में तकसीम करते हैं। इन तकसीम छोटे करते हैं छोटे प्रोग्राम्स को हम फिर मॉड्यूल्स कहते हैं। ऐसा ठीक है, सर। इससे हमारा टाइम बचता हो है और इसे डिबगिंग करने में आसानी होती है, राइट? यस सर। ठीक है, डिबगिंग क्या होती है? डिबगिंग कल मैंने कहा था, बग हम एरर को कहते हैं। अगर कंप्यूटर में कोई एरर हो उसको हटाना, उसको हम डिबगिंग बोलते हैं। ठीक है, सर। आज हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो मैं बता ही दी, फिर रिवाइज करेंगे। नंबर वन एडवांटेज, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर। स्क्रीन नहीं आती आपको? सर आप सर्च पे हो लेकिन सर नहीं, एडवांटेज दिखाई देते हैं ना आपको? नो सर। सर क्यों, शेयर क्यों नहीं है? शेयर तो हो रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा? क्या दे रहा है? अच्छा, आप स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। चलो हम जाते हैं एडवेंचर। देखिए, हमने पढ़ी एडवे मॉडल प्रो के, आगे पढ़े इसके एडवांटेज। ओके, अब दिखाई दे रहा है आप? स्क्रीन आपके विजिबल है? यस ओके, सर। एडवांटेज। मॉडलर प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट मेंटेनेंस ऑफ लार्ज प्रोग्रामिंग, लार्ज प्रोग्राम्स। मैंने कल कहा, जब कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो उसको हम छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर कोई छोटा ही प्रोग्राम हो तो उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब कोई बड़ा प्रोग्राम होगा तो हम काम को बांटते हैं। काम को बांटने के लिए हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं, फिर हर एक को काम देते हैं करने के लिए। अगर प्रोग्राम छोटा होगा तो ज़रूरत नहीं पड़ती है मॉडलर प्रोग्रामिंग की। इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स, इससे जो प्रोग्राम बनते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब ये होता है अगर उसमें कहीं भी कोई एरर आती है तो हमें जल्दी मालूम चलता है ये एरर कैसे आ गई, क्या आ गई, कहाँ आ गई। दैट इज इफेक्टिवनेस। इजी हैंडलिंग ऑफ प्रोग्राम्स, हम प्रोग्राम्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं।
हम प्रोग्राम्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं, यानी जो भी प्रोग्राम हम मॉडलर प्रोग्रामिंग की मदद से बनाते हैं उनको चलाना, कंप्यूटर पे चलाना आसान होता है। इजी टू ट्रबल शूट एंड आइडेंटिफाइंग एरर्स। इजी ट्रबल शूट, ट्रबल शूट हम किसको बोलते हैं? ट्रबल शूट, ट्रबल शूट मीन्स रिमूविंग एरर्स। अगर आप साथ साथ में रफ और पेन रखेंगे ना साथ अपने पास, तो जहाँ जहाँ मैं इलाबरेट करता हूँ वो आप रफ पे नोट करेंगे, ताकि बाद में जब आप नोट पढ़ेंगे तो आप उस वक्त आपको कोई दुश्वारी ना हो, आप रफ उस वक्त खोलेंगे, देखेंगे इन वर्ड्स का मीनिंग क्या था। ओके, इजी टू ट्रबल शूट, ट्रबल शूट मीन्स रिमूविंग एरर्स, रिमूविंग एरर्स। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल है, आप मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, अचानक ये बैठ जाता है, या आपकी ऐप ओपन नहीं हो रही है, आपका व्हाट्सएप या आपका फेसबुक ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम फिर उसको क्या करते हैं, ठीक खुद या खुद ठीक करते हैं, या हम उनको फ़ोन करते हैं जो उसके ओनर होते हैं, उसको फ़ोन करते हैं, जो टेक्निकल टीम होती है उनको फ़ोन करते हैं, फिर वो मदद करते हैं हमें ये ठीक करवाने में, या किसी कंप्यूटर नोइंग वाले के पास जाते हैं तो उससे ठीक करवाते हैं। ये सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। क्या बोलते हैं इसको? ट्रबल शूट, ट्रबल शूटिंग, यानी अगर हमारी एप्लीकेशन में, हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आए तो उस एरर को दूर करना ट्रबल शूट कहते हैं। एंड आइडेंटिफाइंग एरर्स, यानी दोनों में ये बहुत काम की चीज़ है ये मॉडलर प्रोग्रामिंग। एक तो एरर्स को देखने में, आइडेंटिफाइंग एरर्स यानी एरर्स देखना, कहाँ कहाँ एरर है वो देखना, उसमें भी हमें मदद करता है, और फिर उन एरर्स को दूर करना उसमें भी हमें मदद करता है ना। तो ऐसे कुछ मत, जब एटीएम पे जाते हो ना, एटीएम पे कभी कभी आप जाते हो तो आप वहाँ लिखा होता है सॉरी आउट ऑफ सर्विस, लिखा हो ना, नहीं चल रहा है कभी कभी। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुंच रही है? यस सर। ओके, मैं बोलता हूँ जब आप कभी कभी एटीएम पे जाते हो तो कभी आप ये वहाँ स्क्रीन पे लिखा आता है सॉरी आउट ऑफ ऑर्डर या सॉरी अंडर मेंटेनेंस, आउट ऑफ सर्विस, आउट ऑफ सर्विस आता है, वो क्या होता है, यानी उसमें जो हार्डवेयर जो एटीएम है ना, एटीएम में कोई खराबी नहीं होती है, खराबी किस में आती है, सॉफ्टवेयर में, यानी सॉफ्टवेयर में खराबी आती है, फिर जो इंजीनियर होते हैं वो उसको ठीक करते हैं, ठीक है, और उसको दोबारा सर्विसेबल बनाते हैं, यानी जब वो ठीक करते हैं उन एरर्स को, उसको हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं, यानी वो देखना कि कहाँ एरर, प्रोग्राम में कहाँ एरर आई है उसको देखना और उसको ठीक करना, इसमें आसान है। ईजी टू मॉडिफाई, ईजी टू मॉडिफाई उसका क्या मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया ईजी टू मॉडिफाई, यानी अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया, ये हमारी चार फंक्शंस करता है, कितनी फंक्शंस, चार, कल में यूज़र बोलता है नहीं मुझे और एक फंक्शन इसमें ऐड करनी है, यूज़र बोलता है मुझे एक और फंक्शन इसमें ऐड करनी है, तो हम क्या करते हैं, वो एक और फंक्शन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई भी इसको कर सकते हैं। यानी मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ एग्जाम्पल के, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कैलकुलेटर बनाया किसी के लिए, उसने पहले मुझे पहले बता मुझे सिर्फ एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो मैंने बना के दे दिया उसको कैलकुलेटर, ये चार काम तो वो करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो मुझे दो महीने के बाद आता है, बोलता है नहीं मुझे एक और इसमें चाहिए, मुझे स्क्वायर रूट भी ये निकाल के देना चाहिए। बता रहे मेरी समझ आपको, ठीक है? Yes, sir. ये दो महीने के बाद आता है मेरे पास, बोलता नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें स्क्वायर रूट भी आना चाहिए, उसका भी आंसर आना चाहिए, मुझे तो मुझे क्या करना है, एक और फंक्शन इसको ऐड करना है ना, एक और सब प्रोग्राम, yes, sir. ठीक है, तो इसको करना है मॉडिफाई करना, मुझे उस वक्त क्या करना है, इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है, यानी मुझे एक और फंक्शन बनानी है, फिर वो फंक्शन इस ऑलरेडी जो प्रोग्राम है इसके साथ ऐड करनी है, and this all is called modified. बात आ गई समझ में, यानी प्रोग्राम में कुछ बढ़ाना,
Programmers become more understandable with the help of modular programming. जो programmers होते हैं उनको समझना आसान होता है अगर हम modular programming का approach इस्तेमाल करते हैं. अगर हम modular programming या top down approach से हम बोलते हैं वो इस्तेमाल करें तो हमें प्रोग्राम समझने में आसानी होती है. बात आ गई समझ में? हाँ, रिपीट करते हैं हम इसको. नंबर वन, मॉडलर प्रो इज रिक्वायर्ड फॉर इफिशेंट मेंटेनेंस ऑफ लार्ज प्रोग्राम्स. जो मॉडलर प्रोग्रामिंग है ये हम लार्ज प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं और उनको मेंटेन करने में हमें मदद करता है. मेंटेन क्या करना होता है? मेंटेन क्या करना होता है? व्हाट डज मेंटेनेंस मीन? कोई मुझे बताएगा मेंटेनेंस किसको बोलते हैं? हम मेंटेनेंस किसको बोलते हैं? बिल्कुल, रख रखाव इसको हम बोलते हैं. ठीक है, जैसे आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जी सर, बुक्स भी है, हम रखते हैं ना, बुक्स रख के हाँ फिर उसकी बाइंडिंग करते हैं, मेंटेन करते हैं. ठीक है, मेंटेन करके रखते हैं, वो भी एक होगा. यहाँ हम घर में गाड़ी लाते हैं ना. Yes, sir. हम चलाते हैं, ठीक है, तो उसपे सेक्रेट्स आते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उन सेक्रेट्स को दूर करते हैं, दैट इज मेंटेनेंस. ठीक है, yes, sir. उसको वॉश करते हैं, दैट इज मेंटेनेंस. उसमें ब्रेक ऑयल चेंज करते हैं, मोबिल ऑयल चेंज करते हैं उसमें, दैट इज मेंटेनेंस. यस सर. ठीक है, इसी तरह हमें जिस तरह हमें हार्डवेयर मेंटेन करना पड़ता है, इसी तरह हमें क्या सॉफ्टवेयर भी मेंटेन करना पड़ता है. जिस तरह आपने किचन को मेंटेन करते हो, आप नहीं करते हो, आपकी मम्मी करती है. ठीक है, आप उनकी मदद करते हैं. सर दोनों. हाँ, आप उनकी मदद नहीं करते हो. मुझे नहीं लगता आप उनकी मदद करते होंगे. सर हम करते हैं. करते हैं तो अच्छी बात है. ठीक है, किचन में जब आपको लगता है किचन गंदा हो गया तो आप क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, दैट्स मेंटेनेंस. ठीक है, या किचन में कोई कहीं कोई टायर टूट गई होती है तो आप फौरन अपने बाप को बोलते हैं, अबू को बोलते हैं, ये ठीक करा दो. ठीक है, मेंटेनेंस. ठीक है, इसी तरह हम सॉफ्टवेयर को भी मेंटेन करते हैं. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट मेंटेनेंस मीन? ठीक है, यानी हम मॉडलर प्रोग्राम, हम बड़े प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं, फिर हम उस प्रोग्राम को मेंटेन करते हैं. यानी अगर उसमें कोई मेंटेन में ये भी आता है कि अगर उसमें कोई एरर आ गई वो दूर करना, वो मेंटेन हो गया. उसमें कोई चीज़ बढ़ाना, वो मेंटेन हो गया. उसमें कोई चीज़ घटाना, वो मेंटेन हो गया. इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स. इससे जो प्रोग्राम बनते हैं मॉडलर प्रोग्रामिंग की मदद से, वो बहुत अच्छे होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, वो बहुत काम के होते हैं. इफेक्टिव मीन्स काम के, बहुत काम के होते हैं. ईजी हैंडलिंग ऑफ प्रोग्राम्स. हम प्रोग्राम्स को ईजिली हैंडल कर सकते हैं. ईजी टू ट्रबल शूट एंड आइडेंटिफाइंग एरर्स. ट्रबल शूट और एरर्स का आइडेंटिफायर करना आसान होता है. व्हाट इज ट्रबल शूट? सर रिमूविंग एरर्स. यस यस यस, रिमूविंग एरर्स. व्हाट इज आइडेंटिफाइंग एरर्स? आइडेंटिफाई क्या हो गया? आइडेंटिफाई सर जो रिमूव का अपोजिट होगा. नहीं नहीं, अगर आप किसी गेट पे पहुंच जाते हो, किसी कंपनी के गेट पे, ठीक है, या आप स्कूल के गेट पे पहुंचते हो, तो आपको पियान बोलता है आइडेंटिफाई योर सेल्फ, उसका क्या मतलब होगा? हम कौन है, हमारा नाम क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी आपकी पहचान दे दो, है ना? जी सर.
आगे बात, यहाँ आइडेंटिफाई, यहाँ आइडेंटिफाई एरर उसका मतलब हो गया एरर, उसको ढूंढना कहाँ है, दैट इज आइडेंटिफाई एरर्स। इसलिए मैंने बोला आप रफ और पेन साथ साथ रखिए, इन चीज़ को नोट कीजिए ताकि फिर आपको ये याद करने में बहुत आसानी होगी। यानी हम ट्रबल शूट करने और एरर्स को आइडेंटिफाई करने में ये जो ये मॉडलर प्रोग्रामिंग है बहुत काम की चीज़ है, आसान है, इसमें इजी टू मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या हो गया, मॉडिफाई, यस, कोई चीज ऐड करना। हाँ आप डिक्शनरी देख रही हो। नो सर, मुझे खुद पता है ये। मॉडिफाई हो गया ऐड करना, कोई चीज ऐड करना, ठीक है, जो ऑलरेडी चीज हो उसमें थोड़ा ऐड करना, जो चीज बनी बनाई होगी उसमें कोई फीचर ऐड करना, दैट इज मॉडिफाई। ठीक है, यानी आपका जैसे आपका किचन बनाया हुआ है, ठीक है, तो फिर आप बोलते हैं इस किचन में एक और चीज ये करेंगे, यहाँ से थोड़ा और जगह इसमें बनाएंगे, दैट इज मॉडिफाई। ओके, प्रोग्राम्स बिकम मोर अंडरस्टैंडेबल, यानी जो हम प्रोग्राम मॉडल प्रोग्राम बनाते हैं वो समझना आसान होते हैं, क्योंकि वो पार्ट्स में होता है, अलग अलग होता है विद द हेल्प ऑफ मॉडल प्रोग्रामिंग। ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए आप? यस सर। यहाँ कोई किसी को कोई क्वेश्चन है पॉइंट्स में? नो सर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जब आप नोटबुक बनाओगे ना, यस यस, तो आप एक पेज पे ये उतारोगे एडवांटेजेस, ठीक है, यस सर, दूसरा पेज उसका होगा जो जो लेफ्ट पेज होगा, जब आप नोटबुक ओपन कर जो लेफ्ट पेज होगा उस पे नोट लिखोगे, जो आपका राइट पेज होगा उस पे आप नोट नहीं लिखोगे, उस पे आप जो आप मैं समझाता हूँ वो आप उस पे लिखोगे, इनकी ये डेफिनेशंस क्या जो जो, जो मैं बोलता हूँ, ताकि जब आप याद करोगे ना, एक साइड आप याद करोगे, दूसरे साइड आपको इसका मीनिंग पता चलेगा मैं क्या याद कर रही हूँ। यस सर, समझा रहे मेरी बात, कैसे आप बनाए नोटबुक? Yes, yes. एक पेज पे नोट आप लिखेंगे जो आप लिखते हो, दूसरे पेज पर इनको अंडरलाइन करके यहाँ फिर उनका मीनिंग लिखोगे दूसरे पेज पे, ठीक है, या हर yes, पेज पे ऐसे ही करोगे, एक पेज लिखोगे, एक पेज पे ये देखोगे इसके ये डेफिनेशन लिखोगे, इसकी मीनिंग लिखोगे, ठीक है, फिर yes, मुझे ये देना, ये भेजना, ये फिर मुझे भेजना उसके स्क्रीनशॉट्स। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस यानी इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो पढ़े या इतना ही पढ़े आज? हाँ टाइम होगा, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस, बहुत बड़ा है, नहीं ये थोड़ा ही है, फिर प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन ये खत्म कर देंगे। डिसएडवांटेज एक ही है, ड्यू टू लिंकिंग ऑफ मॉड्यूल्स इट इंक्रीजेस एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मॉडल प्रोग्रामिंग में हम छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, फिर उन प्रोग्राम उसको जोड़ देते हैं, पचे जोड़ा उन सारी प्रोग्राम करा कौन कोई प्रोग्राम बनावा, यानी पहले हम क्या क्या इनको करते हैं, अलग अलग बनाते हैं, इस पर कैलकुलेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन तो मल्टीप्लीकेशन बने, चार मॉड्यूल अलग अलग, ژور پروگرام بنٲے لۄکٕٹ لۄکٕٹ الگ، پتہٕ کیٛاہ چھِ کران، پتہٕ چھِ ژۄنوَے کران کمباین، دیٹ اِز کالڈ لِنکِنگ، پتہٕ چھِ أسۍ کران ژۄنوَے کمباین، کیٛازِ یۄس یوٗزر تتھ منٛز دِمو الگ پروگرام ایڈِشن خٲطرٕ، ہُمہِ خٲطرٕ منٛز دِمو الگ پروگرام سبٹریکشن خٲطرٕ، تتھ چھِ گژھان کُنُے اکُے بنُن، اکُے تتھ بنُن، وۄنۍ کیٛاہ چھِ أسۍ کران لاسٹ پٮ۪ٹھ کٲم، أسۍ چھِ ژۄنوَے کٔرۍ لِنک، اَسہِ ژۄنوَے ماڈیوٗل کٔرۍ لِنک، ٹھیٖک، یِم چھِ لِنک أسۍ کران، البتہ یُس لِنکِنگ سۭتۍ چھِ ییٚتہِ ہُران ٹایم، لِنک سۭتۍ کیٛاہ چھُ ہُران، ایٚگزِکیوٗشن ٹرم ٹایم چھِ ہُران، وٹ ڈز ایٚگزِکیوٗشن ٹایم میٖن، لِکھو ایٚگزِکیوٗشن ٹایم، ایٚگزِکیوٗشن ٹایم میٖنٕز دَ ٹایم ٹیکن باے دَ پروگرام ٹُو رَن، ٹایم ٹیکن باے دَ پروگرام ٹُو رَن، بات آ گٔے سمجھ مےٚ،
समझाता हूँ जी सर। एग्जाम्पल से, समझाता हूँ एग्जाम्पल से समझाता हूँ एग्जीक्यूशन टाइम। फॉर एग्जाम्पल जब आप अपना रिजल्ट देखते हो, आप यहाँ से रोल नंबर देते हो, आप सर्च पे क्लिक करते हो, करते हो ना, जी आप सर। सर्च पे क्लिक करते हो, सर अगर आपको वहाँ 1 मिनट में वहाँ रिजल्ट आ गया आपका, आपका मार्क्स कार्ड आ गया, तो एजुकेशन टाइम हो गया 1 मिनट। अगर आपका 2 मिनट के बाद वहाँ रिजल्ट आ गया वहाँ से, आपका एजुकेशन टाइम हो गया 2 मिनट। आ गई बात समझ में? यस सर। यानी कितने टाइम में रिजल्ट आने वाला है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम। जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम लिंक होते हैं, इनको लिंक करने की वजह से इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसको एग्जीक्यूट होने में, चलने में टाइम लगता है। बात आगे समझ में? जी सर। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? सर ये बोल रही थी कि ये वाला किसे बोल रही है? डिसएडवांटेज नहीं, जो आपने अभी बोला वही ना, डिसएडवांटेज। सर ये एजुकेशन टाइम, एजुकेशन टाइम क्या? हाँ क्या था इनके बाद भी, ड्यू टू लिंकिंग ऑफ मॉड्यूल्स इट इंक्रीजेस एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन टाइम मीन्स हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द प्रोग्राम टू रन। लिखिए हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द प्रोग्राम टू रन। लिखा, यानी एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दोन नंबर ऐड करूँ, मुझे दोन नंबर करूँ ऐड, मुझे करूँ 2 + 3, बुझे यो कंप्यूटर दिवान 2 पद दिवान प्लस पद दिवान 3, ये कैसे कल दिन और रिजल्ट वापस, ये 5 मिनट पाती है, 1 सेकंड पाती है, 2 सेकंड पाती है, मिनट पाती है, तथा एग्जीक्यूशन टाइम। यानी अत इमस कोता टाइम लगे करनस मन, ये काम करनस मन कोता टाइम लगे, दैट इज एग्जीक्यूशन टाइम। बात आ गई समझ में? यस सर। और कोई क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, घर में पढ़िए, कल मुझे पूछिए अगर कोई क्वेश्चन हो। सर आज डालना सर क्या? सर सिलेबस। अरे सिलेबस, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर कीजिए, मैं डालूंगा।